ग्राम स्तर पर निर्मित सामुदायिक शौचालय के रख रखाव की जिम्मेदारी क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छाग्रहियों को दिए जाने की मांग को लेकर जिला स्वच्छताग्रही संघ के सदस्यों ने सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया तथा सामुदायिक शौचालय के नियमित रख रखाव की जिम्मेदारी क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छाग्रही पुरुष व महिलाओं को दिए जाने की मांग की, जिसके संबंध में जिला स्वच्छाग्रही संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर बन रहे सामुदायिक शौचालय की देख रेख की जिम्मेदारी का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर डालने के बजाय ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छताग्रही महिलाओं व पुरुषों से ही कराया जाए। इस अवसर पर स्वच्छताग्रही राम सजन, रामचरित, गोमती यादव, अजय कुमार, लाची देवी, हरिशंकर सहित अन्य स्वच्छताग्रही मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला स्वच्छताग्रही संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, जितेंद्र विश्वकर्मा, मैं स्वच्छताग्रही संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हम सभी जनपद गोरखपुर के 200 ब्लॉक के स्वच्छाग्रही हैं। सरकार 4 वर्षों से हम लोगों को ग्रामीण अंचलों में अपने अपने ग्राम सभाओं में स्वच्छाग्रही के पद पर नियुक्ति किया था और सरकार का मंशा यह था कि स्वच्छाग्रहियों से खुले में शौच मुक्त बनाएंगे। स्वच्छाग्रहियों के अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से आज संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण जिला, संपूर्ण ग्राम सभा, संपूर्ण ब्लॉक खुले में शौच मुक्त हो गया और आज सरकार प्रत्येक ग्राम सभा में एक एक सुलभ शौचालय का निर्माण करा रही है और सरकार जो कह रही है कि हम सामुदायिक शौचालय में हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रखेंगे। हर ग्राम सभा में 4-5 महिलाओं का समूह है और प्रत्येक समूह में 10-10, 15-15 महिलाओं का समूह चल रहा है। आज सरकार सामुदायिक शौचालय में केवल एक व्यक्ति को रखना केयर टेकर के रूप में, सरकार कैसे 40-50 महिलाओं को एक सामुदायिक शौचालय में रखेगी? हम लोगों के पेट पर लात मारते हुए, हम लोगों के रोजी रोटी को छीनते हुए सरकार हम लोगों को, जो कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उस शौचालय में केयर टेकर के रूप में नहीं रख रही है। निश्चित तौर में हम सभी जनपद गोरखपुर के स्वच्छाग्रही आज कमर कस लिए हैं। अगर सरकार हम लोगों की बातों को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आंदोलन बहुत बड़ा होगा।